नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेन से एंड यात्रा में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। रायबरेली रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े कुछ नए अपडेट आ रहे हैं, उन्हीं नए अपडेट को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, कि रायबरेली रेलवे स्टेशन पर जो है पिछले 3-4 महीनों से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। फिलहाल हम आपको बता देना चाहते हैं कि लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग पर कलर लाइट सिग्नल लग चुके हैं, अब बत्ती जलने का इंतजार है, और इन्हें केबिन से भी जोड़ दिया गया सिग्नल को, और बस इन सिग्नल में बत्ती जलने का इंतजार है। और इसी के साथ साथ अब लोको पायलट को पुराने टाइप के सिग्नल पर अप डाउन नहीं देखना होगा, बल्कि हरी लाल बत्ती जलते ही गाड़ी रोकना और आगे बढ़ाना होगा। जैसे ही जो है ट्रैफिक ब्लॉक खत्म होता है, नए सिग्नल पर रेल गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल CRS की अनुमति के बगैर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ अभी ट्रेनें फर्राटा नहीं भरेंगी। लखनऊ वाराणसी तथा रायबरेली रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, जिसके लिए रायबरेली यार्ड में लगे 44 पुराने सिग्नल बदले जा रहे हैं, जो कि बदल चुके हैं। स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर लगे सभी पुराने सिग्नल की जगह नए कलर लाइट सिग्नल खड़े कर दिए गए हैं। इसी तरह पूर्वी केबिन की तरफ लगे भी सिग्नल बदले जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेशन के आसपास लगे सभी पुराने सिग्नल बदल दिए जाएंगे। हालांकि इस कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं, जिससे यात्रियों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक जगन्नाथ मिश्र ने बताया कि सिग्नलों को केबिन से कनेक्ट करने के लिए वायरिंग पूरी कर ली गई है, और साथ ही साथ लीवर को टेस्ट भी कर लिया गया है, और नॉन इंटरलॉकिंग की अनुमति 19 मार्च तक के लिए मिली है। इसीलिए समय से पूरा काम कर लिया जाए तो श्री राजनगर से गौरीगंज तक विद्युतीकरण रेल लाइन ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद ट्रायल की अनुमति मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त से मांगी जाएगी, यानी CRS से अनुमति मांगी जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आपको बता देना चाहते हैं, जो है अभी इलेक्ट्रिक ट्रेनों को दौड़ने में अभी 2 माह लगेगा। ठीक है, यानी अभी जो है श्री राजनगर से उतरटिया तक के बीच में अभी वहाँ पे काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, इसी वजह से जो है अभी थोड़ा इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने में अभी थोड़ा विलंब है। ठीक है, तो 2 महीने बाद ही जो है रायबरेली रेलवे स्टेशन से जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनें गुजरेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।